नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। विराट रामायण मंदिर के लिए मुस्लिम परिवार ने दान की 2.5 करोड़ रुपए की जमीन। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में विश्व के सबसे ऊंचे विराट रामायण मंदिर के लिए मुस्लिम परिवार ने 2.5 करोड़ से अधिक मूल्य की जमीन दान दी है। गांव के जमींदार इश्तियाक अहमद खान ने विराट रामायण मंदिर के लिए पूरी आस्था के साथ जमीन दान में दी है। गुवाहाटी में व्यवसाय कर रहे इश्तियाक अहमद खान और उनके परिजनों ने बीते बुधवार को पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया निबंधन कार्यालय में अपनी 73 डिसमिल जमीन का दान पात्र विराट रामायण मंदिर को निबंधित करा दिया है। सरकारी मुआवजे के हिसाब से जमीन का मूल्य 2.5 करोड़ रुपए से अधिक आंका गया है। इश्तियाक अहमद खान ने सोमवार को स्वयं पटना के महावीर मंदिर में इसकी जानकारी मीडिया को दी है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने इस अवसर पर बताया कि पूर्व में भी इश्तियाक अहमद खान ने परिजनों ने विराट रामायण मंदिर के लिए जमीन लेने में बहुत सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि महावीर मंदिर की इस अति महत्वपूर्ण परियोजना के लिए कैथवलिया में जमीन देने की शुरुआत भी खान परिवार ने ही की थी। उन्होंने सबसे पहले मुख्य सड़क पर अव्यवस्थित अपनी बेशकीमती जमीन किफायती दर पर मंदिर निर्माण के लिए दी। उसके बाद के दूसरे लोगों ने भी प्रेरणा पाकर रियायती दरों पर जमीन देना शुरू किया। आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि विराट रामायण मंदिर के लिए अब तक 100 एकड़ जमीन मिल चुकी है, 25 एकड़ जमीन और मिलनी बाकी है। कुल 125 एकड़ जमीन पर संसार का सबसे ऊंचा और विशालतम मंदिरों में एक विराट रामायण मंदिर का निर्माण होगा। कि हम लोगों के बीच कथवलिया के इश्तियाक अहमद खान साहब हैं, जिन्होंने विराट रामायण मंदिर के निर्माण के लिए 23 कट्ठे से अधिक जमीन दी है, जिसका आज सरकारी वैल्यूएशन में 2.40 करोड़ रुपया होता है। और इन्होंने बहुत उत्साह से दिया है। इनके परिवार ने मंदिर निर्माण में शुरू से बहुत बड़ा सहयोग किया है। इनके परिवार का सहयोग नहीं होता तो शायद यह मंदिर उस स्थान पर निर्मित नहीं हो सकता। इसमें ललन सिंह जी हैं, वो निर्माण समिति के सचिव हैं, इनकी बड़ी भूमिका है। 100 एकड़ से अधिक जो जमीन की रजिस्ट्री हुई है, उसमें इन्हीं के प्रयास से जमीन की रजिस्ट्री हुई है। ये हमारे हैं विश्वेश्वर नाथ मिश्रा जी, ये डायरेक्टर फाइनेंस हम लोगों के विराट रामायण मंदिर के हैं। ये कभी पटना के डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे, आज हम लोग विराट रामायण सर मंदिर का थोड़ा डिटेल कर देते, कब तक मंदिर ऐसा है। राम मंदिर के पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं, इसलिए पहले जो कोशिश की, शायद राम जी की इच्छा थी कि पहले उनकी जन्मभूमि पर मंदिर बने, तो पहले नहीं हम लोग सफल हो पाए, लेकिन अब सफल हो गए हैं। जो चाचा भतीजा थे जमीनी की रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे, इसके चलते डिले हुआ, उन लोगों ने भी रजिस्ट्री कर दी। तो अब समझिए कि राम जी के पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। वहाँ उद्घाटन होगा, यहाँ भी सुनिएगा कि 6 महीने के अंदर यहाँ भी उद्घाटन होगा, वहाँ भी उद्घाटन होगा। पहले गर्भगृह का ग्राउंड फ्लोर का हम लोगों के यहाँ भी वही होगा, शिव जी का होगा, और उसके बाद फिर बढ़ता जाएगा। इसलिए उनके पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। इसकी हाइट 270 फीट है, ये लंबाई 1080 फीट है, चौड़ाई 540 फीट है। जो हम लोगों के पास जमीन है, जो इनके प्रयास से आई है, वो करीब 3500 फीट लंबा, 1400 फीट चौड़ा, एकदम चौकोर, आप समझिए 90 डिग्री की जमीन है। देखने में बहुत खूबसूरत है, आसपास में गांव नहीं है, और सामने से राम जानकी मंदिर, राम जानकी मार्ग जो अयोध्या से जनकपुर जा रहा है, हम लोगों की जमीन का स्पर्श करते हुए जा रहा है। ये कंबोडिया से लड़ाई हुई तो कुछ लाभ भी हुआ, कंबोडिया से लड़ाई नहीं होती तो शायद यह रास्ता नहीं बनता। तो मेरे ही रिपोर्ट पर कि इधर से ही दशरथ जी की बारात गई थी, कि राम जी की दशरथ जी बारात लेकर गए थे, और राम जी की बारात उस मंदिर के लिए अपना जमीन दान करते मंदिर मंदिर मतलब उस मंदिर के जो जमीन ये रखा था, तो मेजर जमीन का पार्ट हम ही लोग आता है। तो हमारे चचा लोग जो ज़मीन देना शुरू किए, अगर वो नहीं देते तो आज ये पोजीशन नहीं रहता इस मंदिर का, जमीन का प्रक्रिया मतलब ये नहीं होता। और जब सब कोई जब हमारे चचा लोग दिए हैं, और इनसे ललन बाबू से जब बात हुआ, तो हमने
बोल दिया, उसी दिन बोल दिया था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट मंदिर देंगे, जमीन देंगे। तेईस कट्ठा हम 23 कट्ठा दान किए हैं, कट्ठा दूसरा है, हम लोग यहाँ कट्ठा दूसरा है, इसलिए वो मैंने 41 डेसिमिल 71 डेसिमिल 71 71। सर आपने इस तरह का अच्छा काम किया है और लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, समुदाय से आते हैं, आपने एक मंदिर के लिए जमीन दान दी है और लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं? मैंने कोई काम अगर आगे बढ़े, अब कुणाल जी इतना दूर जाके वहाँ मोतिहारी में मंदिर बनाने जा रहे हैं, तो कम से कम हम लोग का भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम लोग भी सहयोग करें, आगे बढ़ाया जाए। क्या कोई इस तरह की मानसिकता डेवलप होनी चाहिए? हाँ, नेचुरली होना चाहिए, नेचुरली हर हर कोई इसी तरह सोचिए, तो बहुत सारा विवाद जो है हल हो जाएगा। आज के ज़माने में जब कोई एक धूर जमीन किसी को नहीं देता है, आप इतना निःशुल्क दान दे दिए, कारण क्या रहा, कैसे ये क्यों दान? नहीं, एक बहुत बड़ी काम हो रही है ना, इतनी बड़ी मंदिर बन रही है, तो उसमें अब पैसा हम क्या लें, भगवान तो दे ही रहा है पैसा दूसरे तरफ से, हम उसमें पैसा क्या लें, पैसा लेके उसमें अब हम ये क्या, हमारा मन अंदर से है कि हम निःशुल्क दे दें, मतलब जमीन के बदले कहीं जमीन भी मिला नहीं, नहीं, नहीं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।